धूप समय की लाख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है। मेरा सर ढकने को माई, तेरी चुनर काफी है। धूप समय की लाख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है। मेरा सर ढकने को माई, तेरी चुनर काफी है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। हो जगराता तेरा गाऊं मैया, रोज मुझे वो रैन मिले। तेरे चरण ही मेरी शरण है, और कहीं ना चैन मिले। हो जगराता तेरा गाऊं मैया, रोज मुझे वो रैन मिले। तेरे चरण ही मेरी शरण है, और कहीं ना चैन मिले। तू ही पुण्य प्रताप है मेरा, तू ही पुण्य कमाई है। तू ही पुण्य प्रताप है मेरा, तू ही कर्म कमाई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। कौन डिगाए पथ से उसे जो तुझ पे भरोसा कर ले। माँ भर के पलक मैं तुझे निहारू, तेरी छवि दुख हर ले। माँ कौन डिगाए पथ से उसे जो तुझ पे भरोसा कर ले। माँ भर के पलक मैं तुझे निहारू, तेरी छवि दुख हर ले। माँ दर्द है लाखों दुनिया में, तू सब दर्दों की दवाई है। दर्द है लाखों दुनिया में, तू सब दर्दों की दवाई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं रिलायंस फ्रेश, और ये है तोता परी 199 रुपीज़ के जी, और ये है केसर माई फेवरेट, बट अभी हम नहीं लेंगे, थोड़ा सा पहले कार्बाइड वाला टाइम चला जाए, है ना, सस्ता वाला आएगा तब। इतना महंगा आम कौन खाएगा। हाँ हाँ हाँ, वाइट वाला है, मस्क मेलन। यस मस्क मेलन, इट्स मस्क मेलन, ये सही है। अल्फांसो 229 रुपीज़ के जी, सही है। हाँ हाँ, एकदम एकदम, नहीं नहीं हम तो पॉलीथीन लेंगे, बड़ा पॉलीथीन चाहिए। 229 रुपीज़ के जी, इसमें ले लें हैं, सही है। नहीं हम लेंगे आधा किलो लेंगे, टेस्ट करके देखा। यहाँ टेस्ट करने को नहीं मिलेगा यार, अल्फांसो अगर 229 रुपीज़ के जी है ना, तो बहुत सस्ता है। बाहर जाइए ना, 15 आम 700 रुपये का, फ्राइडे मार्केट में 15 आम 700 रुपये का, छोड़ दिए देख के। ऊपर का वो ज़्यादा पका हुआ है ना, थोड़ा सा वैसा लीजिए। अभी है, अभी 8 बजे रात में आते ना, ये नहीं मिलता। और इसके लिए ना रिलायंस प्रेस हम लोग को ना टाइम पे आना पड़ेगा, मतलब या तो दिन में आए 12-1 बजे 2 बजे, या फिर शाम को 4-5 बजे तक आके चले जाएं, तब सही रहेगा। हाँ दो, वरना गड़बड़ हो जाएगा भैया। 3, 1-1 किलो में 4 चढ़ेगा, हम जानते हैं जहाँ तक। अरे 229 है जी, हम कार्ड नहीं लाए हैं तो 100 रुपये का आधा किलो से लेंगे आप, तो हमसे ले लीजिएगा, देखते हैं हो जाएगा। कार्ड वार्ड हम नहीं चलाते हैं, हम तो कैश रखते हैं सीधे। गड़बड़ हो जाता है। हाँ बोलो क्या, रुक जा बीरू, रुक जा, पहले आम ले लें दो, मेरे कोई और आके छांट ले जाएगा। क्या है बोलो ना बीरू, बोलो। 2 दिन रखेंगे ना तो ये वाला पक जाएगा। टॉय के लिए पैसा नहीं है बीरू, अभी ये ज़बरदस्ती पकाया हुआ है लग रहा है। ये 4 आम लेंगे 4, ये थोड़ा सा नहीं। हाँ, पहला आम लड्डू गोपाल जी को चढ़ाएंगे, उसके बाद तब अपने लड्डू गोपाल जी को देंगे। छोटा छोटा आम लीजिए, छोटा छोटा, ज़्यादा चढ़ेगा तब। चलिए 4 है, सही है।
पक जाएगा तीनों, पानी में डालेंगे। अरे उस दिन हम ले गए थे वो चारों आम, जो तो मेरा तो दोनों आम खट्टा खट्टा निकल गया था उस टाइम। ये अच्छा हो जाएगा, ये अच्छा है। अल्फांसो खट्टा नहीं होता, अल्फांसो अच्छा होता है। पहला आम यही आता है मार्केट में पका हुआ, लेकिन इसके बाद से केसर आता है। केसर का जवाब नहीं है यार, मस्त केसर है ना उधर, केसर देखते हैं अभी। वो भी बीरे पकड़ना जब हम पैक करें इसको। अरे यार हाथ मेरा खाली नहीं रहता, तू भी मेरा फायदा उठा ली है तो लूंगी। 189 नेम। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं बना रही हूँ खीर रोटी सब्जी। बज गया है सुबह के 8, मोए बीरू दोनों सोए हैं। आज है संडे 7 अप्रैल, और सॉरी मैं सैटरडे को मोहित को स्कूल लेके जा रही थी, तो उसका जो वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेशन था उसके स्कूल में सैटरडे को ही, कल बीता हुआ कल, तो मैंने उसमें जो 7 अप्रैल बोल दिया है, वो एक्चुअली था 6 अप्रैल, मैंने डेट नहीं देखा था। वो एक्चुअली मैंने इसलिए बोला ना क्योंकि उसकी क्लास टीचर ने मैसेज भेजा था कि 7 अप्रैल सेलिब्रेशन होगा सैटरडे को क्लास में, तो वो वर्ल्ड हेल्थ डे के चक्कर में ना मुझे लगा कि आज ही 7 अप्रैल है, तो कल भी 7 अप्रैल हो गया है मेरे वीडियो में और आज भी 7 अप्रैल हो रहा है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, वो सॉरी सैटरडे वाला 6 अप्रैल है, संडे वाला 7 अप्रैल है। ओके, और मैं बना रही हूँ सरसों के मसाले की सब्जी, भिंडी की ठंडे मसाले वाली सब्जी, जिसको जिसमें मछली बनती है ना, वही मछली वाली मसाला है, मछली वाला मसाला है और भिंडी है। और यहाँ खीर है, खीर अभी बहुत गर्म है, चलेंगे रोटी बनाएंगे, उसके दोनों बच्चों को उठाएंगे, खीर रोटी सब्जी खिला के तब देखा जाए क्या करते हैं आज की दिनचर्या। देखिए फ्रेंड्स क्या मस्त सब्जी बनी है, ग्रेवी वाली। चलते अब रोटी बनाने। ये है बाजरे का आटा और ये है गेहूं का आटा। इसकी रोटी डैडी खाते हैं, इसकी रोटी हम और मोही खाते हैं, बीरू और डैडी इसका रोटी खाते हैं आटे का, गेहूं के आटे का, और मैं और मोही बाजरे के आटे का, क्योंकि हम लोग को थोड़ी सी एलर्जी रहती है ना, तो हम लोग कहते हैं कि ऐसा खाया जाए हेल्दी रहे। और ये लोग जो तो टेस्ट वाले हैं व्यक्ति, ये लोग टेस्ट वाला खाते हैं रोटी। तो चले रोटी बना ले फटाफट। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है,